نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع आज अंग्रेज़ी एतबार से अप्रैल की पहली तारीख है, उसके बारे में भी एक दो जुमले बोलना ज़रूरी है। हम और आप उसको बोलते हैं अप्रैल फूल, यानी बेवकूफ़ बनाना। कुछ लोग ऐसे भी हैं कलमा पढ़ने वाले, अप्रैल की पहली तारीख को झूठ बोल के, धोखा दे के, हंसी मजाक करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए फूल के माना होता बेवकूफ़। अगर वो फूल होता जो एक दूसरे को खुशबू वाला देते हैं तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। याद रखिएगा, झूठ बोलना मुनाफिकों की निशानी है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 10, कि उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है उन मुनाफिकों के लिए, क्योंकि वो लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना मुनाफिकों की निशानी है। फिर इसी तरीके से झूठ बोलकर हंसाना और बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना, उसके लिए हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है, बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4990। वैलुल्लज़ी युहद्दिसु फयकज़िबु लियुज़हिका बिही अलक़ौम वैलुल्लहु वैलुल्लहु। हलाकत और बर्बादी है उसके लिए बात करता है और झूठ बोलता है ताकि लोगों को हंसाए। अरे पता नहीं आपको अप्रैल की पहली तारीख है और कैसे धोखा देते हैं, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ऐसा मसला है, वो हॉस्पिटल में है, बुला रहे हैं, यानी घबरा देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दिस और डैट, वहाँ मिलो, गए तो कुछ है ही नहीं। तो जो कोई भी झूठ बोलता है, बात करता है, लोगों को हंसाए, हलाकत है, हलाकत है, बर्बादी है, बर्बादी है। और ये सब काम करना, धोखा देना, झूठ बोलना, परेशान करना, कुफार मुशरिकीन यहूद व नसारा की निशानी है। जो कोई उसके रास्ते पर चलेगा उन्हीं में से हो जाएगा। सुनन अबी दाऊद किताबुल लिबास हदीस नंबर 4031। मन तशब्बह बिकौमिन फहु मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करता है, जिसके तौर तरीके पर चलता है, वो उसी में से हो जाता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते सच्चे बनिए, सच्चे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि सच्चाई का रास्ता जन्नत का रास्ता है और झूठ वाला रास्ता जहन्नम का रास्ता है, उससे बच के रहिए। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 119। ऐ ईमान वालो, सच बोलो और सच्चे लोगों के साथ रहो, उसी में कामयाबी है। وصار الدمع يغلي.